हे गाइस, मेरा नाम अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। आज के स्वीडियो में हम लोग बिल्ड करने वाले हैं गेमिंग पीसी, वो भी GTA 6 के लिए। यहाँ पर आप लोग जो नहीं जानते हैं बता दूं, रॉकस्टार ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि GTA 6 का ट्रेलर जो है वो जल्दी आने वाला है, यानी कि दिसंबर में GTA 6 का ट्रेलर आ जाएगा और फिर हमें GTA 6 की रिलीज डेट भी पता चल जाएगी। आई होप वो भी जल्दी रिलीज कर देंगे। तभी हमारे पास फौरन ही एक कस्टमर का कॉल आता है, वो बोलते हैं कि भैया हमें एक हाई एंड पीसी बिल्ड करवाना है और इनकी मेन प्रायोरिटी यहाँ पर जो होने वाली है वो है GTA 6 वाला गेम खेलना। वो नहीं चाहते थे कि उन्हें अपने ग्राफिकल सेटिंग लो करनी पड़े या रेजोल्यूशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, तो ये बिल्ड जो होने वाला है वो एक फेयरली हाई एंड पीसी बिल्ड होने वाला है। हालांकि आप में से जिन लोगों का बजट थोड़ा सा कम है या ग्राफिकल सेटिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, उनके लिए भी हम लोग काफ़ी अफोर्डेबल प्राइसेस पे पीसी बिल्ड करते हैं। इनकेस अगर आप अपने लिए पीसी बिल्ड करवाना चाहते हो, यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर दे दूंगा, डायरेक्ट जाकर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो। आप लोग के बजट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल पीसी बिल्ड करके हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं। अब जो इस वीडियो में पीसी बिल्ड होने वाला है वो थोड़ा सा हाई एंड पीसी बिल्ड है। सीपीयू परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा मिलेगा, गेमिंग परफॉर्मेंस फैंटास्टिक मिलेगा। इवन अगर आप 4K लेवल की भी गेमिंग करना चाहते हो ना, ईजिली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस बिल्ड में यहाँ पर जो हमने प्रोसेसर लिया है वो आता है AMD की तरफ से, AMD का Ryzen 5 7600X, जो कि मैं मानता हूँ आज के डेट पे वन ऑफ दी बेस्ट प्रोसेसर होने वाला है। नो मैटर आप यहाँ पर कौन सा ग्राफिक्स कार्ड यूज करते हो, वो ग्राफिक्स कार्ड बॉटलनेक नहीं होने वाला। इवन अगर आप इस प्रोसेसर को RTX 4090 से भी पेयर करते हो ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी अगर बात आती है CPU परफॉर्मेंस की, तो वो भी काफी अच्छा मिल जाता है। इस प्रोसेसर के ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, इनकेस अगर आप सिर्फ प्रोसेसर के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो ना, जाकर मेरी वीडियो को चेक भी कर सकते हो। बाकी इस प्रोसेसर को अच्छे से चलाने के लिए इस पीसी बिल्ड में जो हम लोग ने मदरबोर्ड लिया ना, वो आता है गीगाबाइट की तरफ से, गीगाबाइट का B650 DS3H। DS3H जो लोग नहीं जानते, मैं बता दूं, ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी सीरीज है मदरबोर्ड की, और हमारे क्लाइंट का जो बजट था उस लिहाज से ये मदरबोर्ड एक अच्छा ऑप्शन था। बाकी हमारा प्रोसेसर फुल पोटेंशियल पे चल सके और कूल रह सके, इस चीज को देखने के लिए हम लोग ने यहाँ पर इस पीसी बिल्ड में जो कूलर लिया ना, वो आता है डीप कूल की तरफ से, डीप कूल का AG400। ये एक एयर कूलर है जो कि काफी अच्छा लुक भी प्रोवाइड करता है और कूलिंग परफॉर्मेंस भी इसका फैंटास्टिक है। अब जैसे कि ये एक गेमिंग पीसी बिल्ड होने वाला है और मैं मानता हूँ अच्छे रेजोल्यूशन पे गेम्स अगर आप खेलते हो, तो आपकी जो रैम की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो 16GB से ज्यादा होती है। एंड दैट इज वाई इस पीसी बिल्ड में जो हमने रैम ली है, वो ली है 16GB की 2 स्टिक ए डेटा की लैंसर वाली, जो कि मैं मानता हूँ इवन अगर आप 4K रेजोल्यूशन पे भी गेम्स खेलते हो ना, मोर देन इनफ है। हालांकि अगर आप फ्यूचर में अपग्रेड करना चाहते हो, तो आप 64GB पे भी अपग्रेड कर सकते हो। बाकी बात आती है अगर स्टोरेज की, तो यहाँ पर हम लोग ने स्टोरेज के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, और जो हम लोग ने यहाँ पर स्टोरेज ली है वो आती है ए डेटा की तरफ से, ए डेटा की S70 Blade, जो कि एक Gen 4 SSD है, और इसकी जो टोटल स्टोरेज है वो है 1TB की। 1TB में मैं मानता हूँ आप आराम से विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हो, 5-6 बड़े बड़े गेम्स भी डाल सकते हो, और मैं मानता हूँ बेसिक यूज़ के लिए, इवन प्रोफेशनल यूज़ के लिए इनफ है। एक गेमिंग पीसी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, वो 1TB मैं मानता हूँ इनफ रहता है, बाकी फ्यूचर में आप अपने हिसाब से अपग्रेड भी कर सकते हो। नाउ यहाँ पर आप थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो क्लाइंट है वो GTA 6 के साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहता था, यानी कि ना ही ग्राफिकल सेटिंग के साथ, ना ही रेजोल्यूशन के साथ, और वो बेसिकली 1440p और 4K रेजोल्यूशन पे गेम्स खेलते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर जो हमने ग्राफिक्स कार्ड लिया है ना, वो आता है AMD का सफायर रेडियन RX 7800 XT, जो कि करंटली मार्केट में आपको बहुत ही अच्छी प्राइसिंग पे मिल जाता है, और अगर आप परफॉर्मेंस उसका देखते हो ना, तो वो RTX 4070 से थोड़ा सा निकलते हुए ही बैठता है। तो ये ग्राफिक्स कार्ड जिस प्राइस पे आ रहा है और जो परफॉर्मेंस ऑफर कर रहा है, वो बहुत ही फैंटास्टिक है और हमारे पीसी बिल्ड की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सफिशिएंट था। बाकी इन सभी चीज़ों को पावर देने के लिए इस पीसी बिल्ड में जो हमने पावर सप्लाई ली है ना, वो आती है एनटेक की तरफ से, एनटेक की 850W की गोल्ड पावर सप्लाई, और मैं मानता हूँ 850W हमारे सिस्टम के हिसाब से सफिशिएंट है। हालांकि अगर आप फ्यूचर में थोड़ा बहुत अपग्रेड करना चाहते हो, वैसे कुछ अपग्रेड करने लायक है नहीं, मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए 850W इनफ है। थोड़ा बहुत फ्यूचर को लेकर जो लोग कंसर्न है, वो लोग 1000W के साथ भी जा सकते हैं। बाकी अगर आपने ऑलरेडी माइंड मेकअप कर रखा है कि आप बहुत लंबा अपग्रेड करोगे, तो उसी हिसाब से पावर सप्लाई भी लेना। फिलहाल 850W हमारे क्लाइंट के हिसाब से सफिशिएंट थी। लास्ट बट नॉट लीस्ट बात करें अगर कैबिनेट के बारे में, तो हमारे क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो ऐसी थी कि वो एक छोटा सा कॉम्पैक्ट गेमिंग पीसी चाहते थे, जो कि दिखने में भी अच्छा हो, फीचर वाइज भी अच्छा हो, बहुत फैंसी कैबिनेट के ऊपर स्पेंड नहीं करना चाहते थे। दैट इज़ वाई यहाँ पर जो हम लोग ने इस पीसी बिल्ड में कैबिनेट लिया ना, वो आता है गैलेक्स की तरफ से, गैलेक्स का Revolution 1, जो कि एक बजट सेगमेंट का कैबिनेट है, लेकिन स्टिल फीचर्स आपको सारे हाई एंड वाले देखने को मिलते हैं, लाइक RGB फैंस हो गए, फ्रंट मैश हो गया, और जो लुक फाइनल देखने को मिलता है वो भी काफी अच्छा होता है। ओवरऑल अगर आप पीसी बिल्ड की
टोटल प्राइस को ऐड करते हो और मार्केट से लेने जाते हो तो वो लगभग 1,36,000 रुपीज के आसपास पड़ती है। लेकिन जैसे कि यहाँ पर दिवाली का सीजन चल रहा है तो हम लोग ने सोचा एक काम करते हैं, अपने क्लाइंट्स को डिस्काउंट देते हैं और इस पीसी की जो टोटल कॉस्ट पड़ती है ना वो है 1,32,000 रुपीज के आसपास। तो 4,000 रुपए का तो यहीं पे डिस्काउंट हो गया, बाकी जितनी भी पैकेजिंग और शिपिंग होती है वो भी हम लोग खुद ही बेयर करते हैं, तो वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाता उसका। बाकी आप में से जो लोग गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में जानने में इंटरेस्टेड है, मैंने इस पीसी को बेंचमार्क भी किया है, थोड़े बहुत मैं बेंचमार्क्स अटैच कर दे रहा हूं, आप लोग चाहो तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो। यहां पर जो मैं FPS देखने को मिल रहे हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, नो मैटर आप यहाँ पर 1080p लेवल की गेम्स खेलते हो या 1440p लेवल के गेम्स खेलते हो, आपको FPS काफी अच्छे मिलते हैं। वेल तो दोस्तों ये था पीसी बिल्ड, इनके साथ अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करवाने में इंटरेस्टेड हो यहाँ पर मैं फोन नंबर दे दूंगा, डायरेक्ट आप जाकर कॉल कर सकते हो या हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर सकते हो, हमारी टीम आपको खुद कॉल कर देगी। वेल तो दोस्तों इस वीडियो में आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं इसे डेली ऑसम कंटेंट। तो हम तक देखने के लिए थैंक यू।